भाई कप्तान है माल भाई बस बस मेरा बेटा कहाँ चला गया बेसिकली रिटेल बिजनेस में हूँ कन्वीनियंस स्टोर राइट क्या बेचते हैं जर्स इसने तो ये जहाँ ये सबसे महबूब महंगी है आपसे ब्रश चेक करें भाई अस्सलामुअलैकुम भाई वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। देखो आपका भाई आप लोग को दूसरे मेले में लेकर आए हुए इसी के आगे हो रहा 6 माइल पे। यहाँ तो और भाई कोई रोड तक शोल्डर तक ट्रैफिक जाम है। मैंने भी अपनी गाड़ी शोल्डर पे खड़ी करी है। प्री चांद रात फॉर जॉइन अस फॉर अप्रैल भाई कप्तान है माल भाई बस बस मेरा बेटा कहाँ चला गया के साथ आपका आज का व्लॉग आगाज करते हैं। देखते हैं कहीं लॉस हो गया था। खैर मुझे मिल गया क्योंकि यार ये इतना बड़ा मेला है। अभी आपको चल के दिखाते हैं यहाँ पे कितनी रौनक। यहाँ तो और ज्यादा रश चेक करें यहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ माशाल्लाह से रश चेक करें भाई आप। यहाँ सबसे ज्यादा रश है। ये उससे ज्यादा रश है यहाँ पे उस पहले वाले मेले से ज्यादा। चेक करें यहाँ ये देखें। ये आपको सिर्फ ऐसी जगह आपको सिर्फ बिस्तर नहीं मिलेगी और आपको कहीं नहीं मिलेगी आपको। अब ये रश चेक करें भाई रश चेक करें आपसे। ये देखें भाई अच्छा आज मुझे मिले इम्तियाज चाटियो भाई मुझे मिल गए यहाँ पे। तो इनके साथ कभी इन फ्यूचर हम लोग अपना काम करेंगे बातचीत होगी बिहाइंड द कैमरा। अच्छा मुझे नहीं पता मैं बोलूँ कि आप मेरी वीडियो में ये हिस्सा की चाल आता। अच्छा यहाँ पर रश ज़्यादा लगे ये है ये रेप कैफे। यहाँ पे आपको हर तरीके के आप लोगों को कपड़े मिलेंगे। अब चेक करना है मेरा बेटा मेरे साथ आज करें भाई यार ऑर्डर कर रहे हैं। पाकिस्तानी मैस पा हाँ चलते हैं बेटा बेटिया ये कैफे है। अभी इधर सऊर करेंगे देखे भाई ये इनके पास गायरो है राइस है सैलेड है। ये देखे मेरा बेटा मेरे साथ साथ चल रहा है। ये यहाँ पे गायरो है यहाँ पे स्वीट स्पॉट मिनी पैनकेक्स है यहाँ पे। ये देखे आप यहाँ पे मेरी वाइफ का है इसको ये खाना था मुनाफा कनाफा लेने भी आएंगे। मालपुरा भी यहाँ पे मिल रहा है मालपुरा। सर कैसे हो सलामुअलैकुम इसके पास मालपुरा है ऑथेंटिक मालपुरा। सर में मालपुरा मिल रहा है ऑथेंटिक मालपुरा 1299 मलाई एक्सी मलाई एक्स्ट्रा मलाई चेक कर रहा है। ये देखो ये देखो मेरा अच्छा सारा ये सारी हिस्सों की वाइफ है। ये देखिए ब्रेसलेट ज्वेलरी कप ये देखिए हाँ कम यार ये देखिए ये ऊद है भाई ताजरा ऊद बखूर। यहाँ ये देखिए ये वेफल्स है ये बच्चों के पैन केक बन रहे हैं यहाँ पे। ऑन फ्लीस चेक करता है ये चूड़ियाँ लड़कियों की जिधर भी मेरी वाइफ अभी आती है। ये चेक करें भाई आप देखिए इवेंट मेन्यू बर्ड बॉडीज क्या पर आए भाई Thank you.
कैमरा बाद हुई उसके अंदर माइक था सब कुछ ज़्यादा था तो इस वजह से मैं उस कैमरे पे नहीं लाया कि जब इंसान बिजी होता है तो फिर मैं उसे नहीं पूछता हूँ। लेकिन ये काफ़ी अच्छी वाइब है यहाँ पे, ये इस तरह की रात है भाई जैसी नाइट है यहाँ पे। और मेरी फैमिली कहाँ लॉस हो गई मुझे खुद नहीं पता। आप चेक कर रहे हैं कि कितना रश है, कितना ज़्यादा रश है। मैं और मेरा बेटा कर रहे हैं मेरी वाइफ को कि मेरी वाइफ कहाँ गई आखिरकार, मुझे मेरी वाइफ का नहीं पता कि मेरी वाइफ है किस बात है, कहाँ शॉपिंग करने में बिजी हुई हुई है और माँ बेटी। अब ये चेक करें भाई, ये चेक करें बच्चों के टॉयस। लेकिन आज चार रात का मेला है, ये चेक करें सारे टॉयस बबल्स, ये सारी परफ्यूम्स है, ये चेक करें माशाल्लाह। हमने यही सुना है, मेरा दोस्त बोटिंग सीखता था तो वो बोटिंग सेलिंग क्लब जाता था तो सुबह 6 बजे वो बस बुलाया जाता था, सर्दी थी तो बोटिंग कर रहे करे तो इतना कुछ नहीं होता। नहीं ये तो अल्लाह का शुक्र है, कोई मैक्सिकन ही ना तैर रहा हो बेचारा। आप क्या करते हैं सर? बेसिकली रिटेल बिजनेस में हूं, कन्वीनियंस स्टोर। राइट, क्या बेचते हैं आप? बाहर भी मुझे एक साहब मिला, उन्होंने इसी तरह का बोला, उन्होंने बोला कि मेरा कारोबार है, मैं ना किस चीज का तो हंसने लगे, तो मैंने भी ड्रग्स का ही होगा। मैंने आपको बताया रिटेल बिजनेस, कन्वीनियंस स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर माशा 7-11 टाइप का। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? टीवी पे आती हैं? आपका सलाम बिल्कुल मॉर्निंग शो वाला था। पैसे भी मुनासिब लगाए लगाएंगे नहीं लगाए आपसे चेक करें। आप रश चेक करें इनके पास, ये देखें बड़ी पैड पर करें, बड़ी देखें यही तो रातें हैं सर की। तो भाई यहाँ पे गंजी स्वैग से मिला, लेकिन गंजी स्वैग बहुत बिजी था। अच्छा मुझे पता नहीं था कि वो गंजी स्वैग बाहर वेट कर रहा है, उसको जाना है अंदर जाना है ना, और बस मैंने उससे हाथ मिलाया वो फौरन गया अंदर ना, क्योंकि अंदर उसका नाम आ रहा था ना। तो यहाँ पे मेरे ये दोस्त भी आए हुए हैं। आपको कैसा फील हो रहा है? क्या लग रहा है? हाँ मजा आ रहा है। हाँ, कोई ज्यादा मजा आ रहा है, कोई पाकिस्तान की तरह कोई तंग करने वाला नहीं है, आराम से घूम रही है। ये देखे ये भी आ गया है, इन्होंने आज गाड़ी में बैठे मजे से, लैम्बोर्गिनी में बैठे, इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, इनको फील ही नहीं हो रहा है कि ये इधर आए हुए। तो ये इस तरह की रातें हैं। मेरी वाइफ खड़ी आगे, वो बर्गर की लेन में खड़ी हुई है, आप बर्गर ले रहे हैं, बर्गर लेते हैं फिर हम लोग घर चलते हैं, क्योंकि 41 माइल मेरा है और मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई, वरना ईद खराब हो जाएगी हमारी ना। तो ये सारी रात का गंजी स्वैग का ब्लॉग कल आ जाएगा, कल या परसों आ जाएगा, इससे पहले वाला ब्लॉग उसके बाद आएगा, गंजी स्वैग वाला आएगा पहले आएगा। तो आज इम्तियाज चांडू से भी मिल लिया, गंजी स्वैग से भी मिल लिया, इम्तियाज चांडू चला गया, तो बस बर्गर उठाते जाके करें भाई जा रहे हैं यहाँ से। चांदनाथ का मेला, और चांदनाथ का मेला नहीं, ये खैर रमजान का मेला है, और आज आखिरी सहूर थी, यहाँ से मैंने अपने लिए बर्गर ले लिया है, तो बस वहाँ बैठ के खाएंगे। ये ब्लॉग आप लोग को परसों मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, इससे पहले वाला ब्लॉग उसके बाद मिलेगा आप लोगों को। लेकिन अगर आपको मेरा आज का कॉन्टेंट अच्छा लगा तो देसी बंदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे अंदाज के अंदर आप लोग हमेशा की तरह अल्लाह हाफिज़।